अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ मी आमना रफ़ीक, थर्ड ईयर स्टूडेंट फार्मेसी डिपार्टमेंट इन बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी। टुडे आवर प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ सम ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी मूव टूवर्ड्स आवर ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ नंबर वन, दैट इज़ ऑल आर ट्रू अबाउट सेफेलोस्पोरिन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए, सेफ्टाज़िटीम इज़ अ थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। ऑप्शन बी, सेफापेराजोन हैज़ गॉट एंटी सीडोमोनल इफेक्ट। ऑप्शन सी, सिफॉक्सिटिन हैज़ गॉट नो एक्टिविटी अगेंस्ट एन एरोब्स। डी, सेफेलोस्पोरिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। करेक्ट ऑप्शन इज सिफॉक्सिटिन हैज़ गॉट नो एक्टिविटी अगेंस्ट एन एरोब्स। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखना था कि सारी ट्रू हैं जो भी ऑप्शंस गिवन है। अब इसमें से एक जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी हमारे पास गलत है। सिफॉक्सिटिन जो है हाईली इफेक्टिव होता है एन एरोब्स के लिए। बाकी दूसरे हम देख लेते हैं जो ऑप्शंस है हमारे पास। सेफ्टाज़िडीम है जो कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, और हमारे ये क्या करता है, काम इनहिबिट करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को, और जो होता है का ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बी, सेफापेराजोन हैज़ गॉट एंटी सीडोमोनल इफेक्ट, ऐसा ही है। ये भी हमारे पास थर्ड जनरेशन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसके जो इंजेक्शंस होते हैं वो क्लास ऑफ मेडिसिन बिलोंग करते हैं, जिनको हम सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बैक्टेरिसिडल होता है हमारे पास, प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। एंड लास्ट ऑप्शन जो है सेफेलोस्पोरिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, ट्रू है, क्योंकि ये सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं सिंथेसिस के लिए। अब हम ना इसके थोड़े से जो ऑप्शंस हैं हमारे पास उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि सेफ्टाज़िडीम है, इसके एडवर्स इफेक्ट में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकेंगे, डिजीनेस हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा। उसके बाद सेफापेराजोन है, इसके लिए ब्लैक टैरी स्टूल, स्किन इचिंग और सोर थ्रोट हो जाएगा। अब हम फर्दर ऑब्जेक्टिव नंबर टू को डिस्कस करेंगे, जो है सेफेलोस्पोरिन दैट डज नॉट रिक्वायर डोज रिडक्शन इन पेशेंट विद डिग्री ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट इज। ऑप्शन नंबर ए, सेफ्यूरोक्सम। ऑप्शन बी, सेफापेराजोन, सेफ्टाज़िडीम एंड सेफाटोक्साइम। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सेफापेराजोन है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेफ्ट्राइएक्सोन और सेफापेराजोन जो कि हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं, ये एक्सक्रीट हो जाती हैं मेनली बाइल के अंदर, तो इसलिए हमें कोई डोज रिडक्शन रिक्वायर नहीं होती इन ग्रेड ऑफ रीनल फेलियर में, इसलिए हम नहीं देखेंगे अगर रिडक्शन रिक्वायर ही नहीं है। अदर ऑप्शंस हमारे पास इसमें हैं सेफायोरिक्सम, जो कि सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, एक्सक्रीट होती है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन में, इसलिए हमें चाहिए किडनी में हो रही है तो हमें इसकी डोज रिडक्शन रिक्वायर होगी अगर पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जो सेफ्टाज़िडीम है, ये इंजेक्टेबल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, ट्रीट चाहिए प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जैसे कि निमोनिया हो गया, बोन जॉइंट इन्फेक्शंस हो गए। और इसके बाद हमारे पास सेफाटोक्साइम है, ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, एक बार एडमिनिस्ट्रेट किया जाती है तो ये मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर के अंदर है। मेजॉरिटी एक्सक्रीटरी कहाँ पे की होती है, रीने किडनी में मेजॉरिटी इसकी एक्सक्रीशन होती है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, तो सेफियोरोक्सम जो है उसके अंदर ब्लिस्टरिंग फीवर, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, सेफ्टाज़िडीम एलर्जिक रिएक्शन, डिजीनेस, हेडेक एंड सेफाटोक्साइम पेन, स्वेलिंग, रैशेस, एलिवेशन इन द लिवर एंजाइम, नॉजिया, वोमिटिंग है। अब ऑब्जेक्टिव नंबर थ्री है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज आर कैरेक्टराइज बाई एक्टिविटी अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट पेंसिलिनेस, सेफेलोस्पोरिनेस, ऑक्सी अमीनो सेफालोस्पोरिनेस एंड कार्बापेनिम्स। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कार्बापेनिम्स हैं, जो कि कार्बापेनिम्स लाइक इमेपेनिम आर द ओनली बीटा लैक्टम इफेक्टिवली अगेंस्ट ESBL प्रोड्यूसिंग एंजाइम। ESBL एक एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज एंजाइम है,
जो किसके इफेक्ट इसके अगेंस्ट इफेक्टिव कार्बापेनेम्स हैं, जिसके अंदर ड्रग आती है एमेपेनेम। सिलेसिटिन के साथ हम इसको दे सकते हैं, जो फिर ये हाईली इफेक्टिव होती है। अदर ऑप्शंस हैं हमारे पास, पेंसिलिनेस, सिफेलोस्पोरिनेस, ऑक्सीमिनो, सिफेलो और इस एक्टिविटी अगेंस्ट ESBLAs। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिविटी अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए पेंसिलिनेस, सेफालोस्पोरिनेस, ऑक्सीमाइनो सेफालोस्पोरिनेस एंड ऑप्शन डी कार्बापेनेम्स। करेक्ट आंसर जो है कार्बापेनेम्स है। कार्बापेनेम्स जैसे कि इमेपेनेम्स सिटलेस्टिन के साथ दी जाती है, हाईली इफेक्टिव होती है। इट्स इज द ओनली बीटा लैक्टम्स रियलेबली इफेक्शियस अगेंस्ट ESBL। एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, उनके के लिए रिलायबली इफेक्शियस होती है। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 4 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेनिसिलिन जी आर ट्रू एक्सेप्ट। इट इज़ एक्टिवली सिक्रेटेड इन टिब्यूल्स, इट इज़ नेवर एडमिनिस्ट्रेड ओरली, इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। करेक्ट ऑप्शन इज बी, इट इज़ नेवर एडमिनिस्ट्रेड ओरली। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पेनिसिलिन्स हमें पता है सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं, तो ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी वाया इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। पेनिसिलिन जी इज़ अ ड्रग चॉइस होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के लिए भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के लिए भी, जिसके अंदर पॉजिटिव में आ जाते हैं हमारे पास नीमोकोकस, नॉन बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकस है, एनएरोबिक है, और उसके बाद ग्राम नेगेटिव में हमारे पास मेनिनजियोकोकाई है, इंटेरोकोकाई है एंड नॉन बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव्स में एनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं। उसके बाद पेनिसिलिन की एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं, जो कि 90% किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। पेनिसिलिन जी जो होती है लेस इफेक्टिव होती है थ्रू ओरल रूट, इसलिए इसको ज़्यादा हम पेरेंटरली दिए जाते हैं। इस लेस इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते नहीं, माइल्ड इन्फेक्शंस में इसको हम ओरली दे सकते हैं, लेकिन पेनिसिलिन जी जो होती है वो ज़्यादातर हम कॉमनली पेरेंटरली देते हैं, लेस इफेक्टिव होती है ड्यू टू ओरल रूट, सॉरी थ्रू ओरल रूट। अगेन ऑब्जेक्टिव नंबर 5 हमारे पास पेनिसिलिन जी से रिलेटेड है, दैट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द थेरापेटिक यूजेज ऑफ पेनिसिलिन जी एक्सेप्ट। ऑप्शन ए बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, ऑप्शन बी रिकेटीसियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी सिफिलिस, ऑप्शन डी एंथ्रेक्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन इसमें हमारे पास रिकेटीशियल इन्फेक्शंस हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेनिसिलिन जो होती है